Okay, so once again, we're beginning another webcast with Sukhiji, and it should be in Hindi. Hindi. मैं खुद पकड़ा गया. वाह. चलो तो सुखी जी के साथ कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवाल पेश करेंगे, और सुखी जी के बारे में हम क्या बताएं. आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बहुत ही सीनियर सदस्य हैं, देश विदेश, मतलब देश भारत देश से विदेश जाकर आर्ट ऑफ लिविंग की जो छवि है, जो औरतों तक पहुंची है, औरतों तक इन्होंने जो खासतौर पर विदेश में काम किया है, और इन दिनों न्यूजीलैंड में हैं, और आपके सवाल के जवाब हमें कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद कुछ जिंदगी के पलों को चेंज करेगी. वैसे तो आप न्यूजीलैंड में आके थोड़े मोटे मुझे चेंज लग रहे हैं. पहले आप ऐसे बनाना ना पहने थे, तो इसका क्या राज है? बस जी, ये तो राज को राज ही रहने दो. वो जब कहते हैं ना, आपका बालपन चला जाता है, तो बाल भी कभी कभी चले जाते हैं. बाल कहते कि बाल बाल बच गए हैं, वही बात की आपने तो. पर कभी कभार जिंदगी में हम ऐसी जगह पे पहुंच क्यों जाते हैं, कैसी नौबत आया कि जहां हमको पता होता है, वी नो के हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी इंसान गलत रास्ते अपनाकर सही को छोड़कर फंस जाता है, और फिर कहता है कि मेरी जिंदगी में दुख है, मैं ये नहीं वो नहीं वो. मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा एक जो जैसे कहते हैं मन है ना, ये उलझा रहता है बहुत सारी चीज़ों में, तो उलझा ही रहता है. जैसे अब इंग्लिश में उसको पैटर्न्स बोलते हैं, तो ऐसे व्यू चक्र में फंसा रहता है, चाहे वो नाम कमाने का हो, पैसा कमाने का हो, अलग अलग चीज़ों का. अब उससे ये हो जाता है कि हमको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता. मैंने भी शायद अपने जीवन में यही महसूस किया, जब मैं मतलब अपना पढ़ाई कर रहा था, यूनिवर्सिटी में था, बचपन से ऐसा लगता था कि हाँ, खुश होना है, मस्ती करनी है, लाइफ में बहुत कुछ इन्जॉय करना है. बट जब आप कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, तो टेंशनें और बढ़ जाती हैं, यू नो, और फिर और टेंशन आ जाती है. अच्छा, अब तो ये सीरियस हो रहा, अभी तक तो पढ़ाई मजे आ रहे थे, माता पिता से पैसे मांग लेते थे, कुछ भी खाए कुछ भी पिए, जिम्मेदारी का एहसास नहीं था. जैसे जैसे आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हो, जॉब की तरफ मुड़ते हो, तो ध्यान लगना है, अरे फंस गए, मतलब अब तो जॉब करना पड़ेगा, बस के अंडर करना पड़ेगा, काम डिलीवर करना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें, आई मीन, जीवन आपको अलग अलग समय पे सिखाता है. बिल्कुल. जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब कभी जैसे मेरे जीवन में हुआ कि श्री श्री रविशंकर जी का आना हुआ, मैं उनसे मिला, और जीवन एकदम पलट गया. मतलब आई थिंक वो होना जरूरी है कि आपके जो पैटर्न हैं, आपके जो जीवन जो चक्रव्यूह तरह का एक माइंड है, इंटेलेक्ट है, और वो उस चक्रव्यूह से तोड़ के बाहर निकलने के लिए कभी कभी एक अच्छे दोस्त की, अच्छे साथी की, या अच्छे शिक्षक की जरूरत पड़ती है. एंड आई थिंक स्पिरिचुअलिटी वो काम कर रही है, जीवन जीने की कला, आर्ट तो मेरे जीवन में भी काम किया श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से. तो किस वो पैटर्न तोड़ने लगे. जब आप विदेश के कनाडा में आपका रहवास ज्यादा रहा, तो उस वक्त जब आप गए, तो क्या एक्सेप्टेंस अच्छी थी, उनका एक्सेप्टेंस ऐसी पद्धतियों को स्वीकार किया उन लोगों ने? एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया, आई मीन, तो एक तो सोशल लेवल पे एक्सेप्टेंस है, और एक तो क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, वहाँ गए, वहाँ क्वेबेक रीजन में गए, क्वेबेक रीजन में वैसे भी थोड़ा टेंशन चलता है कि यू नो, क्वेबेक का आप में एक देश बनना चाहता है, तो फ्रेंच रीजन है, तो फ्रेंच समझ नहीं आता. वहाँ से पूरा कैनेडा में दो भाषा हैं, लोग प्रिडोमिनेंटली दोनों तरफ क्रिश्चियन है, यू नो, बट ये समझ नहीं आया कि भाई तुम लोग आपस में लड़ते किस लिए हो, तुम्हारे तो दो भाषा तुम संभाल नहीं पाते. हमारे हिंदुस्तान में इतनी भाषा, हर 100 किलोमीटर बाद रंग रूप भेष भाषा कल्चर सब बदल जाता है, तो हम तो फिर भी साथ रह लेते हैं. बट जब मैंने ये देखा, करीब से आके देखा कि किसी को अपनाना हो तो
थोड़ी सी ऐसी चीजें अगर आप थोड़ा सा स्टेप ले लो तो वो स्वीकार करने में, अपनाने में दोनों तरफ से आसानी हो जाती है। अगर आप एक क्या कहते हैं उसको, इनिशिएटिव जो बोले, तो मैंने वहाँ जाके फ्रेंच सीखी। अब ठीक है जी, आप ऐसे दिखते हो, बाहर दाढ़ी है, बाल है, सफ़ेद कपड़े पहनते हो, ऐसा है, बट आप देखने में डिफरेंट हो फ्रेंच लोगों से, बट जैसे ही आप उनसे उनकी भाषा में बात करने लगते हो, एक कॉमन ग्राउंड जिसको बोलते हैं, जैसा देश वैसा देश। जैसा देश वैसा बेस, वो क्रिएट हो जाता है। और आई थिंक जो हम लोगों के भीतर या जो हम लोगों के बीच में जो जो कॉमनैलिटीज हैं, जो चीज़ें सेम है, उस पे ध्यान दें, तो आई थिंक इंसानियत, प्यार और अपनापन बढ़ता है। तो मेरे को लगा कि फिर स्वीकार करना मुश्किल नहीं रहा। वाह, से आप सवाल कर भी सकते हैं और SMS कर सकते हैं 02162935 पर। सीमा जी भी हमारे साथ है, वो भी हमें हेल्प करेगी। और आप 00508278635 पर भी फ़ोन कर सकते हैं, ताकि जो हमारी लिस्ट पे हमने नंबर बज रखे हैं, ईमेल कर सकते हैं। सवाल कुछ ऑलरेडी आया है, लेकिन टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, कि जहाँ पर लोगों को स्वीकार करना होता है, अक्सर लोग इस बात से थोड़े कंफ्यूजन में है कि किसको एक्सेप्ट करे किसको ना करे, थोड़ा पार्शियल एक्सेप्टेंस होता है। पर क्या कुछ अध्यात्म जैसे स्पिरिचुअलिटी के कुछ टिप्स की वजह से वो एक्सेप्टेंस इजी हो जाता है, आसान हो जाता है? दो लेवल है। एक होता है कि एक इंसानियत के लेवल पे लेवल पे आपने इंसान इंसानियत को और इंसान को पूरी तरह स्वीकार किया। अब देखिए, हमारे समाज में क्रिमिनल एलिमेंट भी है, हमारे समाज में क्राइम है, हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो भटक जाते हैं, तो समाज में फिर उनको कुछ हालात के मारे। हालात के मारे भी होते हैं, यू नो। अब ऐसा नहीं है कि आपको किसी का बिहेवियर ऐसा हो, कोई आपको कह दे कि जी हाँ जी ऐसा हो, आपको मारने आ जाए, आपके पीछे चाकू लेके घूम रहा हो, या कोई यू नो कि ओ हाँ जी स्वीकार कर लो, हम तो कह रहे हैं कि रात को पे चोर आ जाए तो बोलो जी हमारा अभी अभी टीवी लिया, आप लेके जाओ भाई, बड़ा आपका चोर का काम तो बहुत मुश्किल है, रात भर उड़ना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मेन चीज ये है कि अगर आपका किसी का बिहेवियर, आप किसी बिहेवियर आचरण व्यवहार या व्यवहार। आचरण अगर ठीक नहीं है तो वो ठीक हो सकता है, वो एक बातचीत से नहीं ठीक होता है, वो कभी कभी एक डिफरेंट स्तर पे, अलग स्तर पे जाना पड़ता है। ध्यान, ज्ञान, थोड़ा सा सानिध्य, ज्ञानी का, गुरु का सानिध्य, उस पे जाने से ये चीजें आसान हो जाती है। और फिर वो स्वीकृति इंसान की होती है, उसके आचरण की नहीं है, तो फिर उसको अगर वो सही आचरण समाज के हिसाब से, या आपके परिवार में कभी कभी होता है रजामंदी ना हो, एक जैसी बात ना हो, तो वो कैसे उसको स्वीकृति में लाएं सबको, वो एक कला है, और वो कला तो सबको सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कला के बारे में तो आप हम हमेशा कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग का नाम ही है जीवन जीने की कला, लेकिन क्या किसी को हम सिखा सकते हैं कि जीवन कैसे जिया जा सके? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। किसी को आप ये बता सकते हैं कि आप क्या करते हो और आपको किसने किस चीज़ ने आपकी हेल्प करी। आपको किसी को पेंटिंग सिखानी हो तो आपको उसको कैनवस और कलर दे सकते हो, बिल्कुल। पेंट उसको खुद करना पड़ेगा। वो कला उसके अंदर है, और उस पर्दे पे कैसे उतरेगी और वो कला रहेगी या नहीं रहेगी, वो उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है। तो आई थिंक जो टूल्स हैं, जीवन जीने की कला क्या करती है, आपको एटलीस्ट वो टूल दिखा सकती है कि देखिए मेरा छोटी छोटी बातों पे मानसिक तनाव बिगड़ जाता है, या मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते, रिश्तों में स्ट्रेस नहीं ले पाते, या मैं काम करता हूँ या करती हूँ तो मेरा ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी नहीं, घर आते आते फूक निकल जाती है, एनर्जी नहीं होती है, फिर एनर्जी ना हो और काम करना पड़े तो चिड़चिड़ापन आ जाए। आपकी जो अंदर की जो स्थिति है, ऊर्जा लो है, अंदर चिड़चिड़ापन है, प्रेम नहीं है, वो सब चीजें, उसके लिए हम आपको टूल दे सकते हैं जो आपके मन को शांत करेगा, जो आपको रिलैक्स करेगा। बाकी जीवन को कैसे चलाना है
वो आपको खुद निर्धारित करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। लास्ट जो हमारा वेबकास्ट और न्यूजीलैंड से पहला पहला प्रयास है इस तरीके का, जहाँ सुखी जी अक्सर लाइव प्रोग्राम्स में या कहीं सत्संग में या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते होते हैं, रेडियो पे जाते हैं, लेकिन वीडियो पे से लोग ये बार बार देखेंगे। और अच्छा लग रहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग का अनुभव आपके पता चल रहा है और देश विदेश की कुछ कुछ बातें। लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपसे बात पूछी थी, कठिनाइयों का भी सामना किया है। जी ऐसा नहीं है कि आपके लिए भी सब आसान ही रहा है, कि भाई सब इजी इजी ही है। तो उन कठिनाइयों में जहां आप अफ्रीकन कंट्रीज में गए, वहां तनाव ज्यादा था, लोगों में एक तरीके से प्यार था, लेकिन वो तनाव आतंक में फैल गया था और उस आतंक में आप भी फंसे हुए थे। वो हालात से कैसे बचे आप, या कैसे थे वो पल जो आप गुजारे थे वहां पर? देखिए, अब मैं बहुत यंग था जब अफ्रीका गया था। ऊपर से नया कल्चर, पहली बार इंडिया से बाहर निकलो, तो अगर आप यूरोप या कहीं जाओ पहली हाँ बार मतलब कि प्रिपेयर नहीं होते, कि आपको सीधा बोला जाता है कि आपको वहां जाना है, तो यू जस्ट हैव टू गो। जी, अब जब वो कहते हैं ना, जब लोहे को पीट के निखारना हो तो भट्टी में डाला जाता है, फिर भट्टी करती है जो करना सो यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू डू। है। बट ये अच्छा है कि ये आप पे होता है कि आपकी सेंसिटिविटी और आपकी कि आप कितना उन परखते हो सिचुएशन को, कितना लोगों को और कैसे से आप उनको हैंडल करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ भी हुआ, हम वहाँ मॉरिशस गए, मलावी गए, साउथ अफ्रीका, ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ पे जैसे सोवेटो है, बहुत बड़ा स्लम है, शांति टाउन है वहाँ पे, क्वाडबिका डरबन में है, ऑरेंज फार्म है, ऐसी ऐसी जगह पे शायद हमारे ही लोग, शायद हम कभी जाएं तो कभी किसी के साथ हाथ ना मिलाएं या गले ना लगाएं। तो इंसान है, हर जगह प्यार का, दोस्ती का, अपनेपन का भूखा होता है। आप हम गए वहाँ पे, एक बारी एक इंसान को हमने सिर्फ हाथ मिलाया और गले लगाया और साथ में बैठे, उसके आंखों में वैसे ही आंसू आ गए। तो हमने पूछा क्या बात हुई, वो कहते हैं आप शायद पहले इंसान हैं जो बाहर से आए हैं जो हमने हमको स्वीकार किया। तो वो दिल को छूता है कि ये सब भी तो इंसान है, ये अपने हालात के मारे हैं। और वहां पे भी उनके लोगों ने ही उनको नहीं स्वीकार किया था। हाँ, ये भी होता है, वहाँ के लोग भी उनको अच्छा, स्वीकारते नहीं है। और जब जहाँ उनको देखिए, प्रेम का कोई रूप रंग रूप वो नहीं होता है, अपनापन भाईचारे का, अच्छाई का कोई रंग रूप नहीं होता है, कोई भी कर सकता है, तो ये यही गुरु जी का ज्ञान और ये जो आटो लिविंग का जो नॉलेज है वो यही है कि आप अगर आप में ज्ञान की शक्ति है तो आप सबको अपना मानोगे, और जब सबको अपना मानोगे तो समाज में इतना कुछ करने को है, समाज में बहुत सी सेवा हमको हम कर सकते हैं अगर हमारे में क्षमता है, सक्षम है, तो बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। और वही जहाँ हमें दिखे कि हाँ हम वहाँ, वो इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग अ डिफरेंस, तो हमको आगे कदम बढ़ के घर से निकल के कुछ करना चाहिए। और आज सुखी जी ने पिछले बार जो हमारे साथ मुलाकात हुई उसमें भी कुछ टिप्स दी, तो हम चाहेंगे कि आगे चल के इनसे कुछ ऐसी एक बेसिक टिप ले जो आप जीवन में ला सकते हैं। हालांकि ऑकलैंड में और न्यूजीलैंड में आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था द्वारा देश विदेश में कई प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बेसिक योगा और मेडिटेशन भी अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और फिर अगर आपको जो अनुभव मिलेगा वो हम आपको अभी इंटरव्यू में बता नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों आइसक्रीम पसंद तो करते हैं, पर मेरे फ्रिज में शायद ब्लूबेरीज आइसक्रीम हो। आपने ब्लूबेरी आइसक्रीम खाया कभी? जी बिल्कुल है जी, हमारे कनाडा में तो ब्लूबेरी होता पर है, वो कैसा टेस्ट करता है? बस क्या बताएं, वो तो मेरी जीवी बना तो सकते ये सब चीजें हैं कि आध्यात्मिक पल जो जीवन के गुजारने हैं, और ये कुछ जो अच्छी टेक्निक से आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। गोइंग बैक टू द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, के आप दिल्ली में जब आप अच्छे थे, अकाउंटेंट फील्ड में आप अच्छा कर रहे थे, अचानक देखा गया है कि इवन ये मल्टीनेशनल में काम करने वाले लोग आप जैसे सेवक बन जाते हैं, कि भाई इस कार्य में हम हाथ डालना चाहते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया है कि लोग कहेंगे कि यार ये तो अच्छा बदला कर रहा था, इसको क्या जरूरत थी ये करने के लिए, छोड़ने के लिए? आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि सभी के जीवन में कभी ना कभी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है, और सभी के मन में उमंग होती है, इच्छाएं होती हैं, सभी अपने लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैंने भी किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की,
अपनी कंपनी थी, 5 लोग अपने पार्टनर थे, 40 लोग कंपनी में काम करते थे, तो अच्छी कंपनी थी, पैसा भी कमा रहे थे। अब उस टाइम यही होता है कि जब आप यंग होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, तो ये नहीं होता कि हाँ जी मैं अब थोड़ा सत्संग कर लूँ या ज्ञान में आ जाऊँ या कुछ सेवा का प्रोजेक्ट करूँ। उस टाइम तो मन में होता है कि दुनिया को जीत लेना है, सबसे बड़ी कंपनी होनी चाहिए, घर गाड़ी बंगला सब होना चाहिए, जहाँ मैं चाहूँ जैसे मैं चाहूँ ट्रैवल कर सकूँ, अपनी इच्छा पूर्ति कर सकूँ। बट वही कहते हैं ना कि जब वो जीवन अपने आप में एक ऐसा मोड़ कभी कभी आपके ले आता है कि आपकी शायद आंखें खुल जाती हैं। तो मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ। हमारी अम्मा ने सुना कि कहीं पे श्री श्री रविशंकर जी आ रहे हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे सत्संग हो रहा है। तो मेरे को तो सत्संग का बिल्कुल ना कोई आइडिया था, ना ही हम कभी लाइफ में कभी गए थे। तो बड़े हाउ से दबे मन से हम बोला, अच्छा अम्मा आपको हम क्या नाम आपका है, मन रखने के मन लिए रखने के लिए आपके साथ जाएंगे और आपका ड्राइवर बन के जाएंगे, आज के बाद नहीं बताना। तो ठीक है जी, ले गए उनको। अब वहाँ पे सत्संग में बैठे, थोड़ा सत्संग में लोग थे, हमारे एक मित्र भी मिल गए वहाँ पे बैठे हुए थे, तो अच्छा था। गुरु बैठे थे, गुरु जी को सबसे बड़ा जब मिले, उन्होंने इतने प्रेम से अपना गले लगाया, थोड़ा प्रसाद दिया, तो उनके जो क्या बोलेंगे प्रेजेंस, उनकी सानिध्य जो में हाँ सानिध्य में जो इतना सुंदर महसूस किया हमने, मतलब वो शब्द नहीं बता सकते थे। और ऐसा लगा यार यहाँ तो बहुत बहुत शांति है, मतलब मैं जो पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, वो सब कमाऊंगा, वो किस लिए, दिमाग में चला वो सब किस लिए, मैं एक शांति चाहता हूँ। अल्टीमेटली तो मैं बहुत खुश होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी द हैप्पीस्ट पर्सन, पर यहाँ वो तो ऑलरेडी है, तो ये चीज मैं क्यों नहीं अभी करके देखता। तो वो गुरु जी से बहुत प्रभावित हुए, फिर हमें उस टाइम कहते थे जीवन जीने की कला, वहाँ कार्यक्रम था दिल्ली में होता था, तो वो हमने कई साल, कितने साल पहले? 97 6 आई थिंक 96, हाँ 96 है, 97। और आर्ट ऑफ लिविंग अब तो अगले साल 35 साल आप कह रहे थे, 35 years of existence, right? हाँ जी जी That's a long journey, sir. 20 साल हो जाएंगे, 20 साल, आपको कोई 20 साल? हमको 20 साल हो जाएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग को 35 साल हो जाएंगे। वाह, अच्छा, तो हमारे जो भी कुछ सवालों के बारे में पिछली मरतबा ही कि हम बातों ही बातों में वो सवाल कर रहे थे जो लोगों ने ऑलरेडी पूछे, लेकिन सीमा जी भी हमारे साथ है। सीमा जी, आपके पास कुछ सवाल है जो आप करना चाहेंगे सुखी जी से? प्रणाम सुखी जी, प्रणाम जी। आपके लिए एक सवाल आया है SMS के थ्रू। तो ये पूछ रहे हैं कि लोग अक्सर उनके जो दोस्त हैं, वो जो आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, साधना करते हैं, उनका ऐसा कहना है उनकी इच्छाएं बहुत सहजता से पूर्ण होने लगी है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सच में ऐसे ऐसे होता है, और अगर होता है तो कैसे होता है? देखिए ऐसा तो सत्य है कि जब आप देखिए, जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप बहुत खुश मिजाज बैठे हैं, रिलैक्स बैठे हैं, आपने किसी के बारे में सोचा और उसी टाइम उस इंसान का फोन बजता है। ये बहुत लोगों ने मेरे को बात किया है कि कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म तरीके से हम सब लोग कनेक्टेड हैं। अब आपके मन में अगर आप एक इच्छा उठती है कि ये पूर्ण हो, तो कहते हैं जो इंसान साधना का जो पथ, मैं ऐसा बोलूँगा, ये नहीं कि साधना करने से इच्छा पूर्ति होती है, तो फिर सारे 7 के 7 बिलियन लोगों की सारी सबको डाल के सबकी इच्छा पूर्ति कर दे। नहीं, मैं ये बोलूँगा कि जो इंसान ऐसी कोई ना कोई प्रैक्टिस या ऐसी कोई ना कोई चीज़ें रोज़मर्रा के करते हैं जो उनको शांत स्वभाव में वापस ले आती हैं, टेंशन कम हो जाता है, तनाव कम होता है, मन और बुद्धि का एक बैलेंस बार रोज वो क्रिएट करने में सक्षम होते हैं, ऐसे इंसानों में कैसे बोलेंगे, उनकी जो सौभाग्यशाली या भाग्यशाली है कि उनके मन मन में जो इच्छाएं होती हैं वो घटने लगती हैं, वो प्रकट होने शुरू हो जाती हैं। बट जो जो मैं ये भी कहूँगा कि इंटेलिजेंट लोग वो हैं जो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सी हमारी इच्छाएं हैं जो आयास हो जाती है, और जो सी इच्छाएं हमको उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। बट क्या हमारा जीवन इच्छा पूर्ति के लिए बना है? क्या
क्या हमारा जीवन सिर्फ यही है कि मैं आज क्या बना लूँ, क्या करूँ, घड़ी बना लूँ, बंगला बना लूँ, पैसे करूँ, क्या मैं अगर इच्छा पूर्ति के लिए ही अगर सबका ये जीवन हमको दिया गया तो मेरे को लगता है कि बहुत छोटा 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 मानसिकता है या छोटा जीवन है। ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है ना। अगर आप वो समझ अगर इंसान वो समझ जाए तो सब कुछ तो आपका है ही, फिर इच्छा कहाँ से जागृत होती थी ये समझने की कोई कोशिश नहीं करता। इच्छा तो आई, बट इच्छा के पीछे क्या है? इच्छा के पीछे प्रेम है या इच्छा के पीछे कुछ कहते थे वो लैक कॉन्शियसनेस, मेरे को इसकी हिंदी नहीं आई, बट कुछ एक कमियां अक्सर महसूस करते हाँ हैं लोग। कुछ कमी महसूस करते हैं तो ही इच्छा होती है। अब भूख लगी है तो खाना खाएंगे ना, तो बट अगर खाने के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे, पेट भी भरा हो, कुछ लोग तो फिर भी खाने के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो फिर लालच और वो विकृत मानसिकता भी शुरू हो जाती है। मैं ये कहूँगा कि जो समझदार लोग हैं वो ये चीज़ नहीं सोचते कि ये साधना के पथ पे चल के हम अपनी इच्छा पूर्ति कर देंगे, वो सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, वो जेन्युइनली सच्चाई में कुछ समाज में अपने घर से बाहर आके काम करना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि चाहे आपके पास लाइफ में दो रोटी हो, चार रोटी हो, थोड़ा हो, बट अगर आप अपने अपने मन को खुश रखें, परिवार को खुश रखें और बाहर आके समाज में कुछ ना कुछ सेवा का काम करें, वो जीवन बदल जाता है। नॉट जस्ट आपका, आपके परिवार का, आपके साथ जो भी संगत में आता है उन सबका जीवन बदल जाता है। तो इच्छाएं तो आती जाती है, इंसान भी आता जाता है, क्या बड़ी बात शुक्रिया, थैंक यू सुखी जी। थैंक यू सीमा जी, ये सवाल पूछने के आप फोन कर सकते हैं। और या आई गेस अक्सर मैंने पिछली मरतबा भी कहा था कि जब सवाल करने होते हैं तो लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं नहीं पूछ सकता, तो कॉन्फिडेंस में पूछना चाहते हैं। तो सुखी जी इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल वाइल्स ही इज़ इन न्यूजीलैंड एंड ही इज़ ट्रेवलिंग टू अदर सिटीज़ इन न्यूजीलैंड, तो वो आपको वहाँ मिलेंगे या आप इनको ईमेल कर सकते हैं हमारे द्वारा, हमारी वेबसाइट की ऑर्गेनाइजेशन या टीचर्स द्वारा, तो आप ज़रूर उनकी मदद कीजिएगा। अभी जो सीमा ने सवाल पूछा और आप जवाब दे रहे थे कि कुछ साफ दिखने लगता है, तो मेरे सवाल माइंड में भी वही चीज़ आई कि तो लोग अक्सर पूछते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग सुदर्शन क्रिया का क्या है और उसे फिर क्यों जीवन साफ लगने लगता है, उसके बारे में कुछ हमारे लिए गुरु बताएं। जी को 1981 में गुरु जी जब श्री श्री रविशंकर जी जब 10 दिन के मौन में गए, एक शिमोगा नाम का छोटी सी जगह है हिंदुस्तान में दक्षिण में, तो एक गुफा में या एक जंगल में वहाँ पे वो बैठे थे बहुत, तो 10 दिन के एकांत में, एकांतवास में उनको कहते हैं कि वो ये क्रिया प्रकट हुई उनको। अब उनको अनायास ही ये तो गहरी बात समझ में आई कि ये चीज़ जो उनको मिली है या प्रकट हुई है ये समाज में कितने लोग का भला करेगी। तभी वो कहते हैं नेचर, कभी कभी प्रकृति अपने आप एक जो माध्यम होता है इंसान को वो कैपेसिटी या वो सब देता है ताकि वो बड़ा एक अच्छा काम समाज में हो पाए। एक 1981 से फिर गुरु जी ने शिमोगा से स्टार्ट किया, पढ़ाना शुरू किया और दुनिया भर में आज 152 देशों में सुदर्शन क्रिया कराई जाती है। आप देखिए 35 सालों में एक एक छोटा सा, छोटा नहीं बोलेंगे या महत्वपूर्ण बोलेंगे, एडजेक्टिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एक उनका कर्म या एक उनका प्रयास आज लाखों करोड़ों लोगों को बेनिफिट दे रहा है। और ये मैंने भी की, पहले तो मैं भी बड़ा स्केप्टिकल, मैं कोई लगता था कि मैं वो चार टन हूँ, दिमाग ज़्यादा चलता है तो पूछता है ये क्या सांस करने, फूफा तो करना है भाई, 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 भाई। कर ही रहे हैं तो, बट जब क्रिया किया तो पहली क्रिया करके मतलब क्योंकि हमारा साइनेसिस था वो सब था, बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, पहली क्रिया करी सांस ही नहीं आए, दूसरी क्रिया की थोड़ा थोड़ा आए ना आए, को लगा सच में क्रिया काम करती है नहीं करती, क्योंकि हमको बहुत बहुत गहरा साइनस और पॉलिटिक्स था तो हमको बड़ा मुश्किल वक्त में, बट हमारे जो जो थे जिन जो हम हमको लेकर आए थे कहते तुम इसको लगातार करो ठीक होगा, आप मानी नहीं, 4-5 महीने में वो टाइम मैं पानी भी पीता था नहीं करता अगर मैं क्रिया नहीं करता, सुबह उठ के क्या करना है, 6 महीने में मेरा साइनस ठीक, जो
चने से भी सर दर्द होता था और इतना भारीपन लगता था पढ़ाई करते समय या सीए का काम करते समय भी इतना दुख होता था, दर्द होता था। मैं वो एकदम ठीक हो गया। मैं कहा यार इस सांस में तो कुछ चमत्कारी चीज है, मतलब इसमें में तो ऐसे राज हैं जो शायद समझ नहीं आते, ये समझ के है। और फिर जब मैं खुद टीचर बना, पढ़ाने लगा सबको, मैंने खुद भी महसूस किया कि एक ऐसे खालीपन में मन आ जाए, विचार जो इतने हमको तंग करते हैं, विचार हैं जो हमको, कोई विचार उठ गया कि अच्छा स्माइल आ जाती है, कोई विचार उठ गया कि कोई ट्रॉमा हुआ, कुछ गलत खराब हुआ था तो एकदम से स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में। ये विचारों में ही हम उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, रिश्ते भी हमारे विचारों में और उलझन में फंसे रहते हैं। तो वो विचार ही जब आने कम हो गए, खत्म हो गए और एकदम मन खाली होने लगा, फिर समझ में आई ये गुरुजी ने तो बहुत बढ़िया चीज दी है। मतलब मन खाली हो गया, कुछ भी पेंट करो भाई, कुछ भी करो, इतनी ऊर्जा, एक एक तो आपको ऊर्जा इतनी ज्यादा मिल गई, एनर्जी कि आप कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, प्लस एक क्लैरिटी हो गई। मन इतना उलझा रहता था, विचार इतने भटकते रहते थे, कभी पास्ट का सोच रहा है, कभी फ्यूचर का सोच रहा है, और मन प्रेजेंट जिसको कहते थे, इस क्षण में, इस पल में टिकता नहीं था, होने लगा। तो उससे नेचुरली मेरे को लगता है इंसान को एक ज्यादा स्पष्टता आती है जीवन में कि मैं क्या हूं, मेरे को क्या करना है। और दिक्कत कब आती है, जब आपके जीवन में द्वंद होता है। स्ट्रेस कहाँ होता है, जहाँ द्वंद हो गया कि भाई ये करूं कि वो करूं, व्हाइट पकड़ूं कि ब्लैक पकड़ूं, ये पकड़ूं ये रास्ता पकड़ूं, तो द्वंद हमको स्ट्रेस देता था। जब क्लैरिटी हो मन में, विचार कम हो, आपको एकदम मेरे को करना है। पर ये स्वाति ने भी अभी एक एसएमएस भेजा है और वो पूछ रही है कि जैसे कि आप कहते हैं कि मन को काबू में ला सकते हैं, पर हम जब जब आंखें बंद करते हैं वी कंट्रोल आवर माइंड, वी थिंक वी कैन नॉट डू मेडिटेशन, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्या ये सही है या ये बिल्कुल गलत ठीक है? है। मन को ये जो कहते हैं ना, यू कांट एड्रेस इंटेलेक्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, यू कांट एड्रेस माइंड फ्रॉम द लेवल ऑफ माइंड। जो ये माइंड और कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अब हिंदी हमारी इतनी इतनी अच्छी नहीं है, बट ये जो ये मन बुद्धि ये चित्त ये जो अहंकार, ये जो अलग 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 सात स्तर हैं, श्वास और शरीर, ये सब मिला के, ये इसको पकड़ने के लिए, इसको साधने के लिए, बांधने के लिए आपको सांस की जरूरत है। गुरु जी भी सुंदर करते थे, सिंपल बोलते थे, कहते मन एक पतंग की है और श्वास आपकी डोरी है। अब कैसे उस पतंग को उड़ाएं, ये डोरी जानती है। अगर डोरी को पकड़ के और हिलाना सीख लो, पतंग आपकी उड़ती रहेगी। उसी हिसाब से मेरे हिसाब से यस, अगर आप, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक बात है, ये इसमें अगर आप गहरे उतरेंगे तो मन की उलझने अपने अपने लगेंगी और आप रिलैक्स और मस्त होने चलोगेंगे। अक्सर कहते हैं कि ये आउटर लिविंग का जो कोर्स होता है हम करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में समय नहीं मिलता है या फिर पैसे की झिझक रहती है, लेकिन इन झिझकों के बाद भी मैंने भी जब महसूस किया कि जब ये किया, जो ऐसे सुखी जी बता रहे थे, जीवन में बहुत बदलाव आया। सीमा जी भी बैठी हुई है, हमारे कुछ और भी जो मेंबर्स हैं जो अक्सर कहते हैं कि जीवन में जो जो बदलाव आया है, हम इसको आपको डिस्क्राइब कर सकते, हम चाहेंगे कि आप ये अनुभव करो। 24th to 27th of September ऑकलैंड में एक बड़ा कोर्स हो रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अलग अलग शहरों में हर महीने कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज़ है इसमें आप भाग ले सकते हैं। तो artofliving.org.nz विजिट करें या फिर हमारे इस लिंक्स पर रखे गए नंबर से आप हमें 0508 नंबर या 021 पर या ईमेल भी कर सकते हैं। सुखी जी, बहुत अच्छी बातें आपसे सुनने को मिल रही हैं और अच्छा लग रहा है। एक और बात कि आपने देश विदेश का भ्रमण किया, न्यूजीलैंड आपको कैसा लगा? यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो जिनको हम माओरी लोग कहते हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं और ये भी कुछ हद तक आध्यात्मिक जीवन ही जी रहे थे। बिल्कुल, मैं जब मैं यहाँ आया मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये स्पेशली जो यहाँ के जो इंडिजिनस जिनको माओरी लोग बोलते हैं, मेरे को उनके और अपने जो भारतीय संस्कृति के जो लोगों में बहुत करीबी देखा। जैसे हमारी पूजा की पद्धति है और हम अपने एंसेस्टर्स या अपने पुराने पूर्वजों से कनेक्टेड हैं, वैसे ही मैंने देखा कि ये लोग बहुत कनेक्टेड हैं और इनकी जो जो इनकी पद्धतियां हैं वो भी काफ़ी काफ़ी मिलती जुलती है हमारे भारतीय पद्धतियों के साथ।
तो अब ये बात यही है कि आप हाउ डू से कहते हैं, उन्हें कनेक्ट कर उनके साथ, तो आप देखिए कि मतलब वो जीवन जो हम सीख जो उनके पास है कुछ अच्छा शेयर करने को है, हम भारत से आए हैं हमारे पास कुछ शेयर करने को है, तो हम एक दूसरे परस्पर सीख के अपने जीवन को आगे जा सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। वाह, तो अच्छा पेश कि हमारा मोबाइल फोन नहीं बजने लगी है सुखी जी, वो बता रहा हाँ था। अच्छा, तो हमारे साथ से कोई है, इनसे पूछते हैं। हेलो, स्वागत है आपका। पूछना था। आपका नाम जी? मेरा नाम अग्नि है जी। ऐसा हाँ जी बताइए। है जी, हमने सुना कि आज आप सुखी जी को कोई हैं आपके टीचर जिनको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, वो सुन रहे हैं, आप स्पीकर फोन पे हो तो पूछिए। पूछे जी पूछे। अच्छा जी, ऐसा है कि हमारा एक रिलेशनशिप का बहुत इशू चल रही है आजकल, तो हाँ ऐसा जी हर कोई तो अपने माँ बाप को प्यार करता ही है ना, जी हाँ प्रॉब्लम क्या है पहले बताइए, प्रॉब्लम क्या है पहले ये बताइए। बैलेंस की बात हो रही है। हाँ ठीक बात है, और पूछिए। और कितने और सवाल हैं? एक और है इसके साथ, अच्छा इसके साथ ही उसका है, हाँ जी मतलब कि ऐसा है कि देखो जी, हमारे इन-लॉज तो है ना, वो तो ठीक ठाक है अपने पैसे के मामले में। अब जब मेरे माँ बाप है ना, थोड़े हल्के हैं वो, तो जब हम उनको कभी बात करते पैसे भेजने की, तो हमारे हमारे हस्बैंड तो नाराज हो जाते हैं। अब हम क्या करें जी, अब दिल तो करता है ना कि हम तो डॉलर में कमाए, वो तो रुपए में भेज सकते हैं, पर वो तो हमारी सुनते ही नहीं है, लड़ाई हो जाती है इस बात से। ओके, अब आप तो बताइए इसका, हमारे पास कोई आपके पास इलाज है तो। बिल्कुल, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हमारे वेबकास्ट में भी आप देख सकते हैं, लेकिन सुखी जी इस सवाल का जवाब क्या देंगे आप? देखिए पहले तो एक जोक समझिए या जैसे भी एक हल्की फुल्की बात, शादी तो वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। अब देखिए ये जो ये हमारा ऑटो लेकिन जीवन जीने की कला है, ये एक प्रोग्राम एक जो हम पद्धति कराते हैं, आपको ज्ञान में लाते हैं, आपके मन को शरीर को एक होलिस्टिक जिसे बोलते हैं पूर्ण तरीके से एक जीने की हम प्रोत्साहन दे देते हैं। इसमें आप कितना सो कैसा खाओ, खाना कैसे खाना चाहिए, आपका ध्यान कैसा होना चाहिए, ध्यान कैसे करो, ये सब हम पद्धति सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंसान को अपने बारे में ज़्यादा समझ आना शुरू होता है। जनरली हमने ये देखा है कि इंसान हम लोग तनाव में आके ना बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो ज़्यादा रिएक्टिव ना बने हम रिस्पॉन्सिव बने। अब इसका हिंदी मेरे को माफ़ कीजिएगा नहीं आता है, बट मतलब अगर एक इंसान शांत मन का है, शांत स्वभाव का है, या एक एक मस्त एक शांत भाव में बैठा है, तो जो भी उसके सामने घटना घटेगी वो उसको हैंडल करने के लिए सक्षम है, तैयार रहेगा पूर्ण तैयार रूप रहेगा। से कि हाँ भाई कैसे स्थिर रूप से अच्छे विचार से अच्छा सही निर्णय ले, क्योंकि हाँ अक्सर उसके बार हिसाब से देखिए। तो अब दूसरी बात ये होती है कि वो इंसान अगर तनाव में है, स्ट्रेस में है, झगड़े में है, रिलेशनशिप में तनाव है, ऑफिस का भी तनाव है, बच्चों को भी पाल के बड़ा करना है, परिवार सबका ध्यान रखना है, खासकर हमारी महिलाओं को, तो दे प्ले अ सच एन इम्पॉर्टेंट रोल, परिवार में इतना इम्पोर्टेंट रोल करती हैं। तो आई थिंक इतना सब इकट्ठा हो जाता है तो फिर हमको समझ नहीं आती कि जो भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ा है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई तनाव वाली बात हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, गुस्सा और सब हो जाता है। ये बड़ा नेचुरल सी बात है। मेरे को आपको ये कहना है कि मैं आपको सोल्यूशन तो आपको अपने जीवन में खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, जो जहां हम आर्ट ऑफ लिविंग आपको हेल्प कर सकता है, जहां आपको आपके लाइफ में आपको जीवन को आसान बनने में जो है कि आप हमारे पास आके ऐसी मेडिटेशंस ऐसी ब्रीथिंग क्रिया और ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे कि आप अंदर से रियली शांत रहेंगे, आपको नींद अच्छी आने लगेगी,
जब इंसान अंदर से रियली ठहर जाता है, ठहरा हुआ इंसान अपने आसपास वो ठहराव और वो अच्छापन फैलाता है, और फिर जो भी सिचुएशन उठी है, जो भी स्थिति परिस्थिति उठती है, उसको हैंडल करने में सक्षम हो जाता है। तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ जी कि आप मैं दारू की झड़ी दे रहा हूँ, आओ जी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, ठीक आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन आपका मन तनावग्रस्त है उस स्थिति में या तनाव मुक्त है, वो हेल्प मैं आपको कर सकता हूँ जी। थैंक यू जी, आपने इतना बहुत अच्छा सवाल किया, और सीमा जी से मैं कहूँगा कि वो आपकी मदद कर ले, कि आपको कांटेक्ट नंबर्स दे दे कि हमारे आने वाले जो एक्टिविटीज़ है और वर्कशॉप्स है वो कहाँ पे हो रहे हैं। तो सुखी जी, अच्छा लग रहा है कि फ़ोन से भी सवाल है और हर सवाल का जवाब देना, मतलब कि चैलेंज तो है लेकिन फिर भी सवाल इंटरकनेक्टेड है। मन को कैसे करें, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी क्या है। मैंने भी अपने जीवन में एक चीज़ देखी कि पहले रिश्तों में जब इंडिफरेंसेस होते थे तो कई दिनों तक मन उठा रहता था, अपनों से दूर रहते थे, लेकिन अब फॉरन ड्रॉप हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही मैं आपको बात पहले बोल रहा था कि जैसे आप कभी ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया या दोस्त ने कुछ बोल दिया, दिल बात चुप गई, ये नॉर्मल बात है। ये बात हम मान के चलें कि तनाव तो जीवन में है और आता रहेगा, बट अब जैसे है कि आज कि क्या नाम है, ब्रश करते हैं रोज, क्यों करते हैं? क्योंकि खाना खाते हैं, मुंह दांत खराब होते हैं, नहाते हैं इसलिए क्योंकि रोज शरीर खराब होता है। तो इसी तरह स्ट्रेस तो आना है ही, पर उसको मैनेज कैसे करना है। अब आप 5-5 दिन तक नाराज रहे, अपने घर पे खुद ही ना सोएं और रिलैक्स ना करें, और वो एक इंसान जिसके प्रति आपकी नाराजगी है वो तो मस्ती में उसको पता भी नहीं है, और आप अपने पंजाबी में कहते हैं मनी मन कुड़ना, वो मन में कुड़ 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 गुड़ 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 चलती रहती है, वो गुडुर गुना हो। इसीलिए ये ध्यान की और क्रिया की पद्धति है जो आपको हेल्प हेल्प करती है। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स के पास, व्यूअर्स के पास जो भी सवाल हो, आर्ट ऑफ लिविंग देश विदेश में फैला हुआ है, तो वहाँ पर भी आप सेंटर्स में जाके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मन जो है, या माइंड को, एक्चुअली मन से दूर मैं माइंड को कहना चाहूँगा, कि वी फील कि हमेशा लोग इशारा करते हैं बहुत सर दुख रहा है, लेफ्ट राइट ब्रेन इज वर्किंग ऑल द टाइम, पर हमें कुछ बताइए कि जिससे हम थोड़ा इसको शांत कर सके, कैसे इस मथे को थोड़ा हल्का कर सके, तो ह्यूज बेनिफिट है। पर ये बड़ा छोटी सी चीज़ है, एक वो कहते हैं अलोम विलोम प्राणायाम है। प्राणायाम करने से प्राण की जो शक्ति है, ये शरीर जो चल रहा है, खाने से भी पहले पैदा होते ही सबसे पहली जो चीज़ हमने करी थी वो हमने श्वास अंदर ली थी, और शरीर छोड़ने के बाद हम श्वास छोड़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये प्राणा ही हमको जिंदा रखे। हम सोचते खाना और सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, बट प्राण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्राणायाम की वो प्राण शक्ति हम अपने शरीर में अलग अलग हिस्सों में कैसे, जैसे प्राण भी थोड़ा सा कहते हैं मैला और थोड़ा वो खराब हो जाता है, तो उसको प्राण को भी नया संचार शरीर और मन में होए तो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। बिल्कुल, तो वो प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, और अनुम अलोम विलोम जिसे वो कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, वो एक से एक नॉस्ट्रल से सांस गहरी लेके और दूसरी नॉस्ट्रल से छोड़िए, दूसरी से दोबारा लेके पहले से छोड़िए, ऐसा एक साइकिल बनता है। आप उसको 5 मिनट करें, 9-10 साइकिल ऐसे करें, आप इमीजिएटली आपको देखेंगे फर्क पड़ेगा, आपका मन धीरे शांत होने लगेगा। अब मैं करके दिखाऊं आपको हाँ जी। 5 सेकंड में, तो आप वीडियो में हैं तो देख ही सकते हैं हमको। तो ये एक एक साइकिल कहते हैं या, तो ऐसा जब अभी देखिए, अभी ऑलरेडी ऐसा मन करता है कि ध्यान में चले जाए, तो ये बहुत सहज है कि जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाता है तो शांत होने लगता है। तो ये जो आप नॉस्ट्रल ब्रीदिंग सिखाई, ये
मतलब कभी भी कर सकते हैं और जरूरी कि रेगुलरली करें तो इसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। आपने कहा तो एक एक इंसिडेंट याद आ गया। नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, एक इंसान हमको पूछ रहे थे, क्रिया करके गए कि जी मैं तो जी सुबह चलता हूँ ऑफिस के लिए, आधे घंटे की ड्राइव होती है, गाड़ी चलाते चलाते ही भस्त्रिका प्राणायाम कर लेता। भाई गाड़ी दोनों हाथ स्टेयरिंग पे होने चाहिए। तो आपका प्रश्न अच्छा है कि जब एक तो पेट खाली हो, ज्यादा खाने के बाद नहीं करना है। दो, अगर खाना खा लिया है तो दो, एटलीस्ट 1.5-2 घंटा के बाद, जब डाइजेशन थोड़ी देर बाद, ये ऐसा प्राणायाम करना चाहिए। हाँ, सुबह उठ के करें बेस्ट है, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो वातावरण में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। तो कहते हैं वो तो अमृत वेला पंजाबी में बोलते हैं, है ना। तो उस टाइम जो भी करते हैं उसका बेनिफिट शरीर को काफी अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह करें, नहा धो के करें, और दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप ऑफिस से आते हैं थके आ रहे, आते हैं एक शावर के कर सकते हैं ध्यान में। प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ बिल्कुल अपने आप को थोड़ी पे, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए, किसी एकांत में जगह। अच्छा बोला आपने, प्रेजेंटेशन करना हो तो मन तनाव में होता है, तो थोड़ी देर के प्राणायाम तो मन ठहर जाता है, तो उससे वो स्ट्रेस, नर्वसनेस, वो सब नहीं आता है। एक और सवाल है कि जिंदगी में अक्सर इंसान बैलेंस ढूंढता रहता है, कि जो तनाव की बात है आपने कही कि भाई मन जब पास्ट और फ्यूचर में वैसिलेट करता रहता है तो तनाव होता है, लेकिन जिंदगी में हम बैलेंस चाहते हैं कि कभी खुशी ज्यादा हो, गम ना हो, गम होता है तो खुशी की कभी, बट क्या बैलेंस रहना हमेशा जरूरी है? बैलेंस में इंसान इतना रह पाता है? इसके मुझे भी लग रहा है कि हाँ बैलेंस कुछ स्तर तक ठीक है, लेकिन उतार चढ़ाव की जरूरत है ताकि बैलेंस का मजा मिले। बोरिंग हो जाएगा था जी। देखिए जी, लोग कहते हैं जी मेरे को तो बस लाइफ में बहुत बहुत अच्छा अच्छा चाहिए, बुरा तो चाहिए नहीं। मैं हमारा ना एक आइडिया है कि ओ अच्छा लाइफ और हैप्पी लाइफ एक तरीके की होती है, एक आइडिया हमने बना लिया। ओ जी स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में तो बहुत सुंदर है, ये है, बर्ड्स हैं, वो सब कुछ है, जो मांगो इच्छा पूरी हो जाती है, वो ऐसा हम एक आइडिया बना के बैठ गए हैं। ये ध्यान नहीं देते कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो हमारे डाउन मोमेंट है, ये जो डिफिकल्ट मोमेंट हमारे जो जीवन के हैं, वो हमको सबसे ज़्यादा गहरा बनाता है और सक्षम और स्ट्रांग बनाता है। तो जो इंसान तो पीक, जिसको बोलते हैं पीक, जो पीक एक्सपीरियंस को ढूंढता है ना, वो इंसान अंदर से स्ट्रांग नहीं बन पाता। क्योंकि जब देखिए आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं, पीक पे खड़े हैं, उसका नेक्स्ट स्टेप तो आपका नीचे है ना, वो लुढ़कते हुए आएंगे। तो जीवन में गुरुजी भी यही कहते हैं कि ऑपोजिट वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो विपरीत लगने वाले जो ये जो विपरीत लगने वाले जो मूल्य हैं, वो एक्चुअली एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जरूरी है कि बहुत ज्यादा विचलित ना हो, जब क्लास में ठीक ना हो, आप डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, और बहुत ज्यादा ये खुश हो जी आज तो बहुत खुश हूँ जी, वाह वाह वाह, बहुत ज्यादा उधर भी जाने की चीज नहीं, वो बैलेंस में रहता है। जो इंसान भगवत गीता में श्री कृष्ण भी ये बोलते हैं कि जो इंसान ज्यादा वो कहते हैं उछलता नहीं है खुशी में, और जो ज्यादा नीचे डिप्रेस नहीं होता है, वो समभाव का इंसान है, वो योगी है। तो वैसे ही मेरा भी यही मानना है कि लाइफ में उतराव चढ़ाव तो आते, और उनको अपनाना चाहिए। उतराव चढ़ाव के बिना लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी। तो अच्छा है, एंजॉय करें, अपना अच्छा मोमेंट भी एंजॉय करें और खराब मोमेंट भी एंजॉय करें। बिल्कुल। और जहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की बात हो रही है कि 35 साल हो रहे हैं, अगले साल न्यू दिल्ली में जो होगा, लाखों संख्याओं में लोग आएंगे, और वो एक देश के लेकिन अलग देशों से आएंगे, उनको भी एक साथ इतने बड़े नंबर्स में इकट्ठा करना एक कार्य होगा, लेकिन उत्साह उमंग उनके जीवन में आया है, वे खुशी महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, और आपके लिए तो होमली एक्सपीरियंस होगा, लेकिन काफ़ी तैयारी की जा रही है इसके लिए। जी बिल्कुल। 2006 में हमें अपना 25 वर्ष मनाना था, बैंगलोर में बनाया था, तो 25 लाख करीब थे, और अलग अलग राज्यों से हिंदुस्तान के ट्रेनें चली थी और आई थी, और बैंगलोर में सुना है 7 से 8 हज़ार बसें
पहुंची थी, यू नो। अब 35वां सालगिरह है, 152 देश में ऑटोलॉजी के कार्यक्रम और सेवा प्रोजेक्ट चलते हैं, सब में एक है। आप टीवी खोले देखिए कि बहुत सी मतलब थोड़ी देर में 10 मिनट टीवी खोलेंगे तो ऐसा डिप्रेसिंग लगना शुरू हो जाएगा, आज यहाँ बम फटा, ये खराब हुआ, वो खराब हुआ, कुछ अच्छा सुनने को मिलता ही नहीं। तो एक अच्छे लोगों को ये भी फील होना चाहिए कि कुछ अच्छाई भी हो रही है, कुछ अच्छे लोगों के भी हम सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो गुरुजी का ये मैसेज कि एक वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, दुनिया का कल्चर, दुनिया का इतना डाइवर्स है, अलग अलग लोग, अलग अलग प्रांत के लोग अपने अपने रीजन में कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या भाषा करते हैं, सब लोग हम एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो दूरियां मिटेंगी। तो आप सोचिए 152 देश, 35 लाख लोग एक जगह मिले और वो उत्साह क्रिएट हो, वो तो नज़ारा अपने आप में ही कमाल होगा। उसके लिए अभी से ही दिल्ली में बहुत जोर शोर से तैयारियां हो गई हैं, होटल्स की बुकिंग्स होनी शुरू हो गई हैं, करीब सुना है कि 1 लाख रूम के करीब ऑलरेडी बुक किए जा चुके हैं, कि लोग आएंगे अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से। तो ये सब तो, और कहते हैं कि जो उसका स्टेज ही होगा वो कम से कम 4 एकड़ का स्टेज, इस पे 25 से 30 हज़ार लोग बैठेंगे, जो परफॉर्मर्स हैं, म्यूजिशियन म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट, वो सब आर्टिस्ट आएंगे। हाँ वो समा तो मैं सोच भी नहीं सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से देखूं नहीं तो मैं वर्णन भी क्या करूं। मैं तो बिल्कुल सिर्फ एक, ये तो सिर्फ एक सोच है। तो मैं तो सबको, सब दर्शकों को यही बोलूंगा कि आप आइए, और आपने कभी हिंदुस्तान नहीं देखा है तो आज हिंदुस्तान में ही सारा वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया को सिमटते देखिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सुखी जी के साथ साथ तो ये दूसरा जो एपिसोड पेश किया, और आने वाले दिनों में कहीं और ऐसे एपिसोड पेश करने का मौका मिलेगा तो हम अपने आप को खुश किस्मत समझेंगे। लेकिन अभी भी सवाल हो, अभी भी कोई डाउट हो, अभी भी कुछ ऐसा संकल्प लेना है, कुछ करना है, तो आप बेझिझक कीजिए। सुखी जी, ओवरऑल यहाँ न्यूजीलैंड की बातें की, इंडिया की बातें की, कनाडा की बात की, लेकिन क्या इंसान के पास जो सवाल है, जो चैलेंजेस है, सब सेम ही है कि अलग जगहों के लिए अलग समस्या है? देखिए, रंग रूप और क्या नाम है, ट्रेडिशंस और कल्चर में हम लोग शायद, और धर्म में हम लोग फर्क है, पर इंसान का मन तो एक ही है, इंसानियत तो एक ही है, प्रेम तो एक ही है। तो कुछ ना कुछ रीजनल, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थोड़ी सी भिन्न भिन्न हो सकती हैं, बट अगर गहराई में देखें तो इंसान तो एक ही है। वही इंसान, वही पल पल भर के पैसा कमाना, वही शादी करना, प्रेम करना, बच्चे होना, एजुकेशन करना, आगे बढ़ना, घर बार बंगला बनाना, इच्छाएं पूरी करना, वो सब इंसान में, हम 7 बिलियन के 7 बिलियन में ये मौजूद है। भिन्न 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 प्रांतों में भी यही इश्यूज है, बट कुछ कुछ प्रांतों की, कुछ कुछ देशों की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। कुछ ठंडे देश हैं, कुछ गर्म देश हैं, कुछ के, तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो क्या नाम है, अनेकता में एकता है, वो जो एकता है वो इंसानियत है, वो स्पिरिचुअलिटी है, और उसी को महसूस करने के लिए मैं अगेन आप सब लोगों को इनवाइट करूंगा, इंडिया आए मार्च में और जीवन जीने की कला भी सीखे। जीवन जीने की कला की बात आप कर रहे थे, तो हम दोबारा एम्फेसाइज करेंगे कि अगर आपको योगा और मेडिटेशन क्या है इसका अनुभव करना है, तो काफ़ी वर्कशॉप्स होते हैं, और जैसे मैंने कहा कि छोटे से बच्चों के लिए, 10 वर्ष के आसपास के बच्चों के लिए भी कार्यक्रम होते हैं, बड़े भी इसमें आ सकते हैं, सत्संग में भी आप शामिल हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इंसान अपने पूर्ण रूप में वो जीवन महसूस करते हैं, जो हम और आप बार बार बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या वो कर्म है या फिर बस वो एक रिजिडिटी है कि वो उसको बदलना नहीं चाहते? क्योंकि इफ यू लुक एट के आयुर्वेद और योगा भी लोग अपनाना नहीं चाहते, हालांकि ये भी दो ऐसे ट्रेडिशन है जो कई सालों से इतने पॉपुलर हैं। विदेश में गोरे लोग इसको बहुत अपना रहे हैं, या और हमारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमको तो पता है, हम तो मसाला डाल देते हैं, और हम थोड़ा वॉक पे चले जाते हैं, तो ये ठीक है, पर थोड़ा कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से करने से इसका और फायदा होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कभी कभी वही है ना कि अनुभव नहीं किया,
जो अनुभव ना करे, जो ब्लूबेरी ना खाए आइसक्रीम, वो कैसे बताए। और ये देखिए, हमारे देश इतने साल से, मेरा मानना है कि इतने समय से गुलामी में रहा, अब 66 थोड़े साल है, 70 करीब साल से ही अब फ्री हुआ है। तो हमारी अब जो जनरेशन्स आ रही हैं वो बहुत हाई सेल्फ एस्टीम की हैं, वो डायनेमिक हैं हिंदुस्तान की। और आईटी फील्ड में बोलो, एक्टिंग फील्ड में बोलो, आप साइंटिफिक फील्ड में बोलो, आर्ट्स एंड कॉमर्स में बोलो, बहुत अब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। बट साथ ही साथ भूलना नहीं चाहिए कि जैसे आयुर्वेद और योग की, बाकी ये हमारे सभ्यता की बहुत पुरानी, बहुत हमारे ऋषियों मुनियों की देन है हमको, और शायद उस पे हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। हम अपनी ही चीज को, जो हमारे घर की है, अपनी है, उसको हम शायद, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, रीडिस्कवर कर रहे हैं। और आई थिंक देर नहीं लगेगी, अब तो जैसे अपना बैंगलोर, जो श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम है आर्ट ऑफ लिविंग का, वहाँ पे अपना एक वो भी है, आयुर्वेद कॉलेज भी है, वहाँ बच्चे आते हैं सीखने। तो इट्स अ पैरेलल फील्ड ऑफ मेडिसिन, मतलब जैसे रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिकेशन है, वैसे ही आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इट्स लाइक लोगों को इतना शायद उसका एक्सपोजर नहीं है, उसका शायद उस पर उसमें बताया नहीं गया और दिखाया नहीं गया। तो अब जैसे जैसे प्रत्यक्ष उनके सामने आ रहा है, उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो रहे हैं कि हाँ, अरे अरे, ये तो काम करता है और नेचुरल तरीके से काम करता है। आई थिंक एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। बढ़ रही है। आपकी पिछली इंग्लिश टॉक में आपने टिप दी कि भाई फ्लू और ये जो बीमारियां चल रही है न्यूजीलैंड में और दुनिया भर में भी ये बीमारियां चलती है, उससे बचने के लिए सुखी जी ने टिप दी दी मैंने अपने फेसबुक पर रखी। मेरे डॉक्टर को कहा कि यार, ये तो मेरे को अपने क्लिनिक के बाहर लगा देना चाहिए। मैंने बोला आपके पास जॉब नहीं रहेगा, कुछ चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और हमारे बीच भी एक ऐसे अनुभवी डॉक्टर है जिन्होंने कई सारे लोगों के अलग अलग परिस्थितियों में सही राय दी है, सही इनको मार्गदर्शन दिया है, कई लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। और आपके हम आभारी हैं कि गुरु जी के आशीर्वाद से आप देश विदेश में ये कर रहे हैं, मिलन आए हैं। तो ओह से लेकर आहा तक का वो आप करा रहे हैं, तो ओह मत करते रहिए, मत करते रहिए, आहा करने के लिए तैयार रहिए। और जब भी मौका लगे आप किसी भी प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। तो आपको एक छोटी सी टिप देंगे हमें, डेफिनेटली दो टिप देते हैं, एक हमारे पापा जी की देते हैं और एक एक दादी माँ का नुस्खा है। तो दादी माँ कहता क्या करती थी कि जैसे अब कल लास्ट टाइम जब दिया था तो वायरल के बारे में, फ्लू के बारे में, उसी को आगे बढ़ते हैं। अभी भी रात को नींद नहीं आती है तो, और बुखार और वो सब भी रहता है, तो दूध गर्म करके उसमें हल्दी डाल दी जाए, उसमें 1/4 चम्मच जैसे कहते हैं, थोड़ी हल्दी डाल दी जाए, और अगर तुलसी के पत्ते भी डाल दी जाए और थोड़ा क्लोव डाल दिया जाए तो बहुत हेल्प करता है। आपको नींद भी अच्छी आएगी, प्लस आपका जो वायरल और उसमें भी हेल्प करेगा। बिना दूध के बनाना चाहें, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो सिर्फ पानी में ही तुलसी और क्लोव्स और नाम में नींबू डाल के ले सकते हैं, उनको बेनिफिट होगा। और हमारे पिताजी तो बहुत मजाकी हैं, वो रिश्तों में अगर गड़बड़ हो तो कहते थे, एक चुप 100 सुख। हमारी बातें ऐसी हैं कि कभी रुक ही नहीं सकती। पर आपने चुप्पी साधने की बात की, तो अक्सर हम जब आंखें बंद करते हैं तो शांत होता है, पर इसको बंद करते हैं तो एक और शांति मिलती है। तो जो आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स, जिसको हम साइलेंस कोर्स कहते हैं, तो मौन में जाने से या मौन में रहने से जो कुछ प्रोसेस हैं, इसमें भी बहुत बहुत फायदा है लोगों की जीवन में, बिल्कुल बहुत बदलाव आते हैं ये। बिल्कुल। आई मीन तो पूरा बहुत बहुत पुरानी पद्धति है कि इंसान जब चुप या मौन में जाता है तो अपने बारे में सजग होना शुरू होता है। हमारा मन इतना बोलता है, हम इतनी चीज़ों से उलझे रहते हैं और इतनी बातों में फंसे रहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि अगर मेरा वाणी इधर बंद रहे, मैं अंदर हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता है आसपास वातावरण, पूरी सृष्टि जागरूक हो गई। तो अपने अंदर इतनी जागरूकता आती है, इतनी सहजता आती है कि मैं तो बयान नहीं कर सकता।
तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम मौन में होते हैं तो सृष्टि जागृत लगती है, और आप अपने अंदर एक जागृति आती है। तो ये करने के लिए सीखना चाहिए, करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मौन करना चाहिए। और अगर मौन का प्रोग्राम आपके आसपास मिले तो ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी कहते हैं अपना लिप्स तो मौन करते हैं बट जो मन में चीखें हो रही होती हैं उसको मौन नहीं कर पाते। इसलिए साथ मिलके जब हम इकट्ठे होके एक ग्रुप की तरह वो मौन व्रत लेते हैं 4-5 दिन तो वो आसान हो जाता है। कभी कभी अकेले सफ़र मुश्किल होता है, दोस्त मिल जाए तो आसान हो जाता है, ऐसे ही ग्रुप में आसान हो जाता है। तो अक्सर हम जो सीखते आए हैं, सीखा हुआ है, जानते हैं, पर मानते नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि कुछ मान के चलो और कुछ जान के चलो? भाई आपने तो उसका उत्तर ही दे दिया है। ये तो करना ही पड़ेगा जी, कुछ जान के चलो कुछ मान के चलो। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे बड़ा स्केप्टिक मानता था आर्ट ऑफ लिविंग क्रिया और पद्धति का, क्योंकि और इवन गुरु को फॉलो करना, और गुरु को फॉलो करना बड़ा आध्यात्मिक गुरु मुश्किल। हाँ बिल्कुल, का पंजाबी लोग अगर पूछो तो उनको तो बस अपना कोई चिंता ही कोई नहीं, मौजा ही मौजा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाओ पियो खुश रहो, ऐसा है ना। तो जब मैंने मैंने कम से कम 1 साल आर्ट ऑफ लिविंग करने से थोड़ा सा हिचका, फिर जब अम्मा लेकर आई तो फिर मैंने कहा करना चाहिए, गुरुजी को मिले तो एकदम मन बदला। और जब किया, मैं बताऊं आज सबको मैं बोलता हूं जो देख रहे हैं, रिग्रेट करोगे कि पहले नहीं कर लिया। तो कोर्स करने के बाद रिग्रेट तो होगा कि भाई इतनी अच्छी चीज़ इतने समय सकते मैं क्यों नहीं कर, जब मेरे को पता भी है और फिर भी नहीं कर पाया। तो डोंट गो इनटू रिग्रेट, कर लो भाई, कल हो ना हो। वही तो ना, कि आप मान रहे हैं, आप जान भी रहे हैं, अब करने की वक्त है और करने का समय बहुत बहुत, कि जीवन जीने की जो कला है, जीवन में जो बदलाव आता है और व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं जिसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं आप उसके बारे में बयान नहीं कर पाओगे। फिर एक बार आभारी है हम हमारे व्यूअर्स का जो फीडबैक देखेंगे देते हैं देखेंगे और इन पद्धतियों को अपनाएंगे। आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे, किसी के जीवन में खुशी लाएंगे तो हम खुशी होगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। और ऐसे प्रोग्राम्स करने, आपके साथ नॉन स्टॉप बात करने का मज़ा फिर से आया है और यूं ही मज़ा हम लेते रहेंगे, देते रहेंगे। हेमंत जी थैंक यू जी। सुखी जी के साथ आज का ये हिंदी पार्ट 2 हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे।